हे एवरीवन, वेलकम करती हूँ प्रीतो की जी रेसिपीज में। तो आज हम संडे स्पेशल एक ऐसा नाश्ता लाए हैं कि दो सामानों से बनकर ये तैयार होता है, लेकिन ये ना कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, ब्रेड रोल से भी ज्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। और मात्र दो सामानों से हम बनाएंगे जो पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता होने वाला है, जरूर इस वीडियो को देखना, आपको ये नाश्ता सच में बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गैस चला लेंगे। यहाँ पे हमने पैन रख दिया है। अब एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और आधा चम्मच यहाँ पे कलौजी डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम एक कप पानी डालेंगे। तो देखिए, पानी, तेल हमारा गर्म हो गया था ना, तो पानी जैसे हमने डाला था ये छनछनाने लगा। तो एक कप पानी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और उसके बाद आधा चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे एक कप सूजी। सूजी ना बहुत मोटा होना चाहिए ना बहुत महीन, मतलब मीडियम साइज के जो सूजी आप यूज करते हो वही आपको लेना है। और उसके बाद इसको डाल के हलवा बना लेना है। तो सूजी जो है आपको उतना ही लेना है जितना मतलब आपके परिवार के लिए मतलब आपको चाहिए। तो हमारे परिवार के लिए एक कप सूजी बहुत है, क्योंकि ये ना सूजी बहुत ज्यादा सहराता है। तो इसका मैं हलवा इस तरह से बना लेना है, और बराबर पानी बराबर सूजी, तभी आपका ये डो बन के तैयार होगा परफेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको हलवा की तरह, जब पानी एकदम सूख जाए ना, तब इसके बाद यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो सूजी बहुत अच्छे से पक चुका है, और इसके बाद इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो बस इस तरह से जब पानी अच्छे से सूख जाए ना, तब जो है गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और इसके बाद इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना अच्छे से फूल जाए। तो जो हमारा नाश्ता बनेगा ना, एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बनेगा सूजी से ही। तो इसको हम ढक देते हैं और हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 आलू छोटे छोटे हमने इसको कट करके बॉयल कर दिए थे। छोटे छोटे आलू काट के बॉयल करने से ना आलू बहुत जल्दी से पक जाता है। तो अभी ये गर्म है, इसको मैं पहले से छील के रख दूंगी आधे घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। हमारी जो स्टफिंग है ना गीला ना हो, इसलिए मैं आलू को पहले से छील के रख दूंगी। तो यहाँ पे चलिए डो को देख लेते हैं। तो डो अच्छे से ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अभी ये हल्का हल्का ये गर्म है। तो इसी स्टेज पे हम इसको गूंथ लेते हैं। एक चम्मच यहाँ पे हम तेल लेंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, और इसी के मदद से जो है सूजी को अच्छे से आटे की तरह गूथ लेंगे। तो देखिए, इस तरह से गूथना है, बहुत बढ़िया से मतलब गूथ लेना है, ताकि जो है हमारा जो स्टफिंग बनाने का वो हो ना, तो बढ़िया से भर जाए। देखिए, हमने गूथ लिया है, अब इसको ढक के साइड में रखते हैं। और ये आलू हमारा ठंडा हो चुका है बहुत बढ़िया से, क्योंकि हमने फ्रिज में रख दिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो आलू को अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल भी चंग से ना रहे, क्योंकि स्टफिंग भरते समय ना चंग से जब उसमें होते हैं तो वो फटने लगते हैं। इसलिए आप मतलब कोशिश करें कि कद्दूकस कर ले आलू को। तो इस तरह से महीन महीन कद्दूकस कर लेंगे ना, तो आलू की जो स्टफिंग है ना बहुत बढ़िया से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे सारे आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ सामान, और ध्यान रखें आलू थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए ना, तब इसको कद्दूकस करना है। अब यहाँ पे हमने अदरक थोड़ा सा कद्दूकस कर लेना है, इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च डालना हो तो इसी स्टेज पे हरी मिर्च भी डाल सकते हो। आधा चम्मच हमने यहाँ भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर डाला है। आधा चम्मच हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। थोड़ा सा हमने पिज्जा व ऑरेगानो डाल दिया है। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक चम्मच चाट मसाला। साथ में हमने यहाँ पे हरी धनिया लिया है, इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे। मतलब जितना महीन सामान है वही डालना, प्याज टमाटर ये सब मत डालना, कोशिश करना। और यहाँ पे हमने करी पत्ता लिया था, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये हम छोटा छोटा कट करके डाल देंगे, इससे पता नहीं चलेगा, और ये बहुत अच्छा भी लगता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, करी पत्ता खाना चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में हमने एक चम्मच सौंफ लिया है, इसको हम अच्छे से क्रश करके डाल देंगे।
आप चाहे तो इसको कूट के डाल सकते हो, बट क्रश करके भी डाल दीजिए, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और उसके बाद आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ और ज्यादा जाता नहीं है, बस इतना ही काफी है। चलिए अब इसको फटाफट से बनाते हैं। तो अभी जो हमारा ये डो है ना, थोड़ा थोड़ा ये गर्म है। जब डो थोड़ा थोड़ा गर्म हो ना, तभी बनाना स्टार्ट कर देना। इससे क्या होगा ना कि आपके बहुत बढ़िया बढ़िया बन के तैयार होगा, मतलब रोटी की तरह बेलेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको लंबे साइज में कर लिया है। अब इसके हम गोल गोल बड़े बड़े चकई बना लेंगे, जैसे आप रोटी बनाते हो इसी तरह आप बड़े बड़े इसको बना लेना इस तरह से। और इसको हम चिपटा करके इसको हम बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से चिपटा कर लेना है, और बहुत अच्छे से रोटी की तरह ना बेला जाता है, बहुत बढ़िया बेल उठता है। भले ये सूजी का है, लेकिन जब ये बेलेंगे ना तो एकदम रोटी की तरह। तो जब तक यहाँ पे हम तेल रख लेते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। तो हमने छोटी कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल जब तक गर्म होगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा चकई में तेल लगा लिया है, इससे क्या होगा ना बहुत बढ़िया से मतलब बेल उठेगा। कोशिश करना इसमें परथन सूखा आटा ना लगाना है, इसमें हल्का सा तेल लगा के तेल की मदद से इसको इस तरह से रोटी की तरह बना लेना। तो ये देखिए ना बहुत मोटा बनाना है ना बहुत महीन, इस तरह से रोटी की तरह ये इस तरह से इसको बनाना है। और इसके बाद क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे। ग्लास की मदद से ना इसको हम छोटे छोटे जैसे पूड़ियां बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे, और इसी तरह से ढेर सारी पूड़ियां एक साथ बनाकर तैयार कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें ना तो फटाफट से बन के तैयार हो जाए। तो देखिए हमने इसी तरह से सारी पूड़ियां बना लेनी है, ये देखिए। और बहुत आसान है, जितना ये खाने में भी अच्छा लगता है ना, उससे ज्यादा इजी है बनाने में भी लगता है। तो यहाँ पे हमने सारी पूड़ियां बेल ली हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है स्लाइस ब्रिटानिया का चीज। अगर आपके पास मोजरीला चीज है तो बहुत ही बढ़िया है, अभी हमारे पास था नहीं तो इसलिए हमने स्लाइस वाला चीज डाला है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक क्यूब, और ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें स्टफिंग जो भरेंगे ना बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो इसको हम क्यूब में काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ना हमें स्टफिंग भरने में आसान हो। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और यहाँ पे हम 2 चम्मच लेंगे कॉर्न फ्लोर, घोल तैयार करेंगे एक बढ़िया से। तो 2 चम्मच हमने कॉर्न फ्लोर ले लिया है, आप उसकी जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हो। और हमने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से घोल तैयार कर लेना है, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, तैयार कर लेना है। अब चलिए स्टफिंग भरते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पूड़ी को लिया है, और इस तरह से कोन को बनाना है, जैसे आप समोसा भरते हो ना उसी तरह से कोन को बना लेना है। और थोड़ा थोड़ा आलू का स्टफिंग इसमें भर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज का स्लाइस रख देंगे इस तरह से, और बस इसको इस तरह से चिपका देना है। ये देखिए तो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और अभी मैं तुम्हें एक और बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से जैसे आप समोसे का कोन बनाते हो ना, इसी तरह से बनाना है। और आलू का स्टफिंग जो है ना थोड़ा थोड़ा रखना है, नहीं तो फट जाएगा। यहाँ पे हमने चीज का स्लाइस रख दिया है, आप चाहे आलू पहले डाल दीजिए या फिर बाद में चीज का स्लाइस डाल दीजिए, जैसे आपको सही लगे। और इस तरह से आलू ऊपर से डाल के इस तरह से देखिए, ये बहुत आसानी से देखिए चिपटा हो गया। तो तितली के आकार में इसी तरह से सारे जो है हम नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना जहां से देख रहे हो। और नाश्ता अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो यहाँ पे हमने सारा बना लिया है, अब चलिए इसको घोल में डिप करेंगे। तो एक एक लेके इसको इस तरह से घोल में डिप कर लेना है। और जिस दिन आपके घर ना संडे के दिन जैसे सब लोग इकट्ठा होते हैं फैमिली में, तो जरूर ये नाश्ता ट्राई करना, सच में पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतना टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए बना लिया है, अभी एक प्रोसेस और करना है। तो यहाँ पे हमने जार लिया है, अब क्या करेंगे जो ब्रेड का नीचे वाला भाग है ना, इसको ये इसका हम बना कर लेंगे क्रम्बल। क्रम्बल करके इसका हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो आप घर पे आसानी से बना सकते हो, बहुत लोग इसको खरीदते हैं, लेकिन ये बहुत सस्ते में घर पे बन के तैयार होता है। देखिए इस तरह से इसको हमें सारे जो है ब्रेड क्रम्स को
नाश्ते में इस तरह से लपेट लेना है, यानी कि लगा लेना है, देखिए इस तरह से। और एक खास बात और है ना, इसको 3 से 4 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे ना फ्रिज में, तो आप इसको 3-4 दिन के बाद भी बना के दे सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा गर्म हो गया था, तो गैस के फ्लेम को धीमा कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके सारे नाश्ते को डालेंगे और धीमी आंच पे इसको सेकेंगे। धीमी आंच पे जितना सेकेंगे ना, उतना ही क्रिस्पी और कुरकुरा अंदर से बाहर से दोनों तरफ से होकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे हमने इसको धीमी आंच पे हमने फ्राई किया है, और जब तक ना आप इसको खाएंगे गर्मा गर्म ना, तब तक आपका दूसरा बैच तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इतना गजब का ये नाश्ता है, एक बार जरूर ट्राई करना, आपके सच में फैमिली आपके इसके दीवाने हो जाएंगे, और बच्चे मतलब बड़ों से ज्यादा तो बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना क्रिस्पी अंदर से भी बाहर से भी, इतना स्वादिष्ट नाश्ता। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग जरूर बनाना जिस दिन आपकी फैमिली घर पे हो। तो ये देखिए बहुत ही गजब का, आप कचौड़ी पकौड़ी समोसा ब्रेड रोल सब खाना भूल जाएंगे इस नाश्ते के आगे। बस एक बार जरूर ट्राई करना, और अच्छा लगे तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट भी करना, और प्लीज गाइस एक लाइक कर देना, लाइक करने से बहुत हिम्मत मिलती है, और अपने फ्रेंड फॉलोइंग में शेयर जरूर करना। तो आज की संडे स्पेशल नाश्ता आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ फिर मिलूंगी ऐसे नए नए नाश्ता के साथ, नए नए रेसिपी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।